नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरु नानक देव की जयंती और प्रकाश पर्व को लेकर भव्य समारोह का हुआ आयोजन। गुरु को नमन कर श्रद्धालुओं ने किया अरदास। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लोगों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, पूजन कर किया दीपदान। पूर्णिमा को लेकर भागलपुर में भव्य कार्तिक मेला का हुआ आयोजन। भगवान कार्तिक की प्रतिमा हुई स्थापित। और साक्षक पुलिस ने नशे के सौदागर को किया गिरफ्तार। ब्राउन सुगर समेत वेटिंग मशीन बरामद। अब खबरें विस्तार से। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव को लेकर देश भर के सिख समुदाय में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसको लेकर मंगलवार को पूरे देश में गुरु नानक जी की जयंती मनाई जा रही है। वहीं गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व को लेकर सिख समुदाय की ओर से नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। जबकि सिख धर्म का दूसरा तख्त माना जाने वाला पटना साहिब का तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा में धूमधाम से गुरु नानक जयंती समारोह मनाया जाएगा। इस दौरान पटना सिटी के दीदारगंज स्थित गुरुद्वारा में गुरु का अखंड पाठ किया गया और इसके साथ ही नगर कीर्तन यात्रा भी निकाली गई, जो कई इलाकों से भ्रमण करते हुए देर शाम तक हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया और महिला पुरुष और स्कूली बच्चे समेत सभी श्रद्धालु मिलकर गुरुवाणी गाते दिखे। साथ ही पंजाब से आए कई कलाकारों ने करतब भी दिखाया। वहीं पटना साहिब गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी महाराज के 553वें प्रकाश उत्सव को लेकर मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब के गुरुद्वारा साहिब दरबार पहुंचे, जहां सीएम ने हाजिरी लगाकर माथा टेका और गुरु महाराज के समक्ष देश में सुख शांति की दुआ मांगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पटना साहिब गुरुद्वारा के सालस राय जौहरी दीवान हॉल का उद्घाटन भी किया। यही स्थल है जहाँ पर जन्म हुआ होगा। कितना ये जगह महत्वपूर्ण है, तो सब महत्वपूर्ण जगह है को देखते हुए और सब जगह जो हम लोगों ने बनवा दिया है पहले से दसवें तक सब लोगों के बारे में पूरी जानकारी के साथ सब कुछ किया गया। जो लोग भी आएंगे और नई पीढ़ी के लोग सब लोग जानेंगे कि चीज़ के बारे में। हम लोग तो सब कुछ में लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा है। अब जो आएंगे तो उन लोगों को आने में आप जानते ही कि रखना पड़ता था, अब उसके लिए भी हम लोग जगह जगह करवा रहे हैं। अब एक जो बनवा रहे हैं उसमें तो आप समझ लीजिए 2000 आदमी एक ही साथ रहेंगे, एक महीना तक इन लोगों के हवाले कर देंगे और सब लोगों को वहाँ रखने की सुविधा अन्य और स्थानों पर, ताकि जितने लोग आएंगे उनको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। इधर भागलपुर के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में भी गुरु पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती और 553वें प्रकाश उत्सव को लेकर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव कार्यक्रम के अंतिम दिन मंगलवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरु ग्रंथ साहिब अखंड पाठ का समापन हुआ, जबकि इसके बाद गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा में भजन कीर्तन और सामूहिक आरती कर श्रद्धालुओं ने गुरु को नमन करते हुए अरदास किया। वहीं गुरु नानक जयंती को लेकर सिख समुदाय समेत अलग अलग समुदाय के काफी संख्या में श्रद्धालुओं गुरुद्वारा पहुंचकर सिर नवाया। इस दौरान सुबह से ही गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि हजारों की संख्या में पहुंचे पुरुष महिला युवक युवती और बच्चों ने गुरु को सर नवाकर जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल समेत कई जयकारा भी लगाया। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भजन आरती के बाद गुरु का अटूट लंगर लगाया गया, जिसमें सिख समुदाय समेत गुरुद्वारा में आने वाले सभी समुदाय के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर प्रसाद ग्रहण किया। इधर भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा भी गुरुद्वारा पहुंचे और गुरु के मत्था टेक कर लोगों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। इसके अलावा जगह जगह गुरुद्वारा और सिख समुदाय के बीच गुरु को नमन कर हर्षोल्लास के साथ गुरु का प्रकाश पर्व मनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को अहले सुबह से ही भागलपुर समेत देश के सभी गंगा घाटों और पवित्र नदियों के किनारे गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। इस दौरान भागलपुर समेत आसपास के सुदूर इलाकों से गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना और दीपदान किया। वहीं भागलपुर के बरारीछड़ी घाट और पूल घाट समेत कई गंगा घाटों पर भक्तों का सैलाब दिखाई दिया, जहाँ धार्मिक मान्यता के अनुसार सनातन धर्म को
को मानने वाली महिला पुरुष युवतियों युवाओं और बच्चों ने भी गंगा में डुबकी लगाकर माँ गंगा और भगवान विष्णु समेत कई देवी देवताओं की आराधना की। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जबकि इस दौरान भक्त अपने घर परिवार सहित देश दुनिया के सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करते हैं। हालांकि कई जगहों पर गंगा घाटों की स्थिति काफी खराब होने के कारण हुए दलदल से गंगा स्नान करने पहुंचे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, जबकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। इधर भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर बिहार झारखंड के लाखों श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर माँ गंगा की पूजा अर्चना की और परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं ने गंगा में दीप दान किया। इस दौरान गंगा स्नान करने पहुंची एक युवती ने कहा कि पूरे कार्तिक माह में गंगा स्नान और पूजन का विशेष महत्व है, जबकि इस दौरान काफी संख्या में लोग लहसुन प्याज का सेवन वर्जित करते हैं। साथ ही कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दीप दान के साथ अनाज एवं फल का दान किया जाता है, जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसको लेकर अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते हुए गंगा में फल एवं दीपदान किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि व्रत पूरा होने पर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही कहा कि खासकर कुमारी कन्या अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दीपदान करने विभिन्न जगहों से अजगैबीनाथ धाम पहुंची है। इधर कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सुल्तानगंज नगर परिषद की गंगा घाट में बैरिकेडिंग और नाफ की व्यवस्था के साथ आसपास में साफ सफाई अभियान भी चलाया गया। इसको लेकर अंचल अधिकारी शंभु सरन राय और थानाध्यक्ष लाल बहादुर के द्वारा गंगा घाट में NDRF टीम और गोताखोर को लगाया गया, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी को टाला जा सके। कार्तिक पूर्णिमा एक महीना लोग गंगा स्नान करते हैं, उसका उद्यापन पूर्णिमा के दिन जो है लास्ट में करते हैं। उसके बाद जो है आज दीप दिवाली मनाया जाता है। आज लोग दीप का महत्व ज़्यादा मानते हैं और दीप को जो है गंगा में जला करके दान करते हैं। इससे बड़ा बहुत बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है और छोटे मोटे जो दोष विकार होता है साल का, वो कार्तिक पूर्णिमा नहाने से और गंगा जल में दीप दान देने से पाप को क्षय हो जाता है, यानी कष्ट दूर हो जाता है। इसके लेकर के लोग बाग एक महीना मेहनत करते हैं, लोग बाग प्रतिदिन मंदिर आना जाना, गंगा नहाना, सेवन करना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन की जाने वाली भगवान कार्तिक की पूजा को लेकर भागलपुर सबौर के बाबूपुर मोड़ स्थित कार्तिक नगर चौक पर भव्य कार्तिक पूजा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने महादेव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिक की पूजा अर्चना की, जबकि यहां पूजा समिति की ओर से भव्य मेले का भी आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि रात्रि में ही देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिक की प्रतिमा स्थापित कर मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान धार्मिक नाटक सत्यवान सावित्री की प्रस्तुति के साथ सामाजिक संदेश वाले नाटक कसम इस माटी की भी कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। कार्तिक पूजा समिति के सदस्य ने बताया कि गुरुवार को जागरण का कार्यक्रम रखा गया है, जबकि 11 नवंबर को प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। मौके पर कार्तिक पूजा समिति के अध्यक्ष देव नारायण मंडल, सचिव मनीष कुमार, जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश मंडल और सीताराम मंडल के अलावा काफी संख्या में पूजा समिति से जुड़े सदस्य और श्रद्धालु मौजूद रहे। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से मेला संपन्न हो, जो भी श्रद्धालु आवे उसके व्यवस्था के लिए हम लोग पूरा तत्पर रहते हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत ना हो। हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है, झूला का व्यवस्था किया गया है, नाटक मंचन का भी आयोजन किया जा रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु लोग आते हैं देखने के लिए। हर साल के तरह इस साल भी जो है कि मेला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा नशे की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिन भी भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में नशा मुक्ति अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद नशा कारोबारी इस कारोबार को चलाने में जुटे हुए हैं। ताज़ा मामला भागलपुर शाकचक थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात पुलिस ने एक युवक को 36 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर बताया जा रहा है कि रात्रि गश्ती के वक्त पुलिस ने रोको टोको अभियान शुरू किया था और संदिग्ध अवस्था
अवस्था में युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम चंदन कुमार राय बताया जा रहा है और भीकनपुर खदैया टोला निवासी गोपाल राय का पुत्र है, जिसके पास से पुलिस ने 34 ग्राम स्मैक के अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन भी बरामद किया है। वहीं पूछताछ के दौरान गिरफ्तार चंदन कुमार राय ने बताया कि वो घर से बाहर निकल कर पास में लगे टेम्पो के पास गया, जहाँ उसने वहाँ से 3 पैकेट पाउडर गिरा हुआ देखा और जिसे उठाकर वह अपने घर चला गया। इधर गुप्त सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो उसके पॉकेट से 3 पैकेट ब्राउन शुगर मिला, जिसके बाद पुलिस ने नशा कारोबारी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जबकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में युवक ने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। वहीं इसको लेकर सिटी एसपी शुभमारी ने बताया कि पिछले महीने शाक्षर थाना क्षेत्र में 24 ग्राम ब्राउन शुगर और 18,000 रुपये नगद के साथ एक तस्कर राहुल कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है। एएसपी ने बताया कि तस्कर राहुल ने ब्राउन शुगर के डीलर चंदन राय समेत कई अन्य छोटे बड़े तस्करों के नामों का खुलासा किया था, जिसके बाद शाक्षर थाना की पुलिस और CIAT 1 और CIAT 2 के जवानों ने भीकनपुर गुमटी नंबर 2 में अवस्थित विश्वरी मंदिर के समीप 36 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ चंदन राय को गिरफ्तार कर लिया है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंकेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में शराबबंदी लागू है और इसको लेकर पुलिस द्वारा लगातार शराब तस्करों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है, जिसमें अक्सर मद्य निषेध विभाग और अलग अलग थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा भारी मात्रा में शराब जब्त कर तस्करों की गिरफ्तारी भी की जाती है। वहीं इसको लेकर मंगलवार को भागलपुर के आधा दर्जन थाना की पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब का विनिष्टीकरण किया गया। पकड़े गए शराब का विनिष्टीकरण TOP बाईपास थाना के पास पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में किया गया। बता दें कि 2022 में मधुसूदनपुर थाना, जगदीशपुर थाना, कोतवाली थाना, बाईपास थाना, उत्पाद विभाग और रेल पुलिस के द्वारा जब्त की गई शराब का मंगलवार को विनिष्टीकरण किया गया। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड सभागार में कृषि विभाग द्वारा प्रखंड स्तरीय रवि प्रशिक्षण सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आत्मनिर्देशक प्रभात कुमार, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, अंचल अधिकारी शंभु शरण राय, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मणि, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अर्षद समेत कई अधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसका मन संचालन कृषि समन्वयक अनुपम कुमार ने किया। इस दौरान भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अर्षद, डॉक्टर अमित प्रधान द्वारा सभी किसानों एवं पंचायत के जनप्रतिनिधि को रवि फसल उत्पादन के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रशिक्षण दिया गया, जिससे किसान खेतों में रवि फसल का अधिक उत्पादन कर मुनाफा की कमाई की जा सके। मौके पर डॉक्टर अमित प्रधान, किसान सूचना सलाहकार समिति के अध्यक्ष विभूति कुमार सिंह, राकेश कुमार भिरखुट, मुखिया चंदन कुमार, सरपंच उदित नारायण मंडल सहित किसान एवं कृषि विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। रबी महाभियान 2022 के अंतर्गत आज सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कृषि वैज्ञानिक और जिले से पदाधिकारी आत्मा के और प्रखंड स्तर के सभी किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, ATM, BTM सहित प्रखंडों से जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और हमारे प्रखंड के प्रगतिशील किसान भाई बहन आज यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिए। कार्यक्रम का उद्देश्य रबी फसलों की उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी प्रदान करना है। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत टाउनशिप स्थित एक क्वार्टर में चार्जिंग पॉइंट से भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां आग बुझाने पहुंचे दो लोग झुलस गए। इस आगजनी की घटना में क्वार्टर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं जोरदार धमाके के साथ लगी आग से आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। इसके बाद अग्निशमन टीम घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना को लेकर बताया जाता है कि क्वार्टर नंबर F333 में रहने वाले
वाले रिफाइनरी कर्मी संजय कुमार ने रविवार की रात तकरीबन 11 बजे ओला स्कूटर को चार्ज में लगाया था, लेकिन चार्जिंग में लगाने के क्रम में ही जोरदार धमाका हुआ और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक में आग ने ओला स्कूटर समेत क्वार्टर के सामानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन इसमें दो लोग झुलस गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल घायलों का इलाज बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरु नानक देव की जयंती और प्रकाश पर्व को लेकर भव्य समारोह का हुआ आयोजन, गुरु को नमन कर श्रद्धालुओं ने किया अरदास। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लोगों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, पूजन कर किया दीपदान। पूर्णिमा को लेकर भागलपुर में भव्य कार्तिक मेला का हुआ आयोजन, भगवान कार्तिक की प्रतिमा हुई स्थापित। और साक्षात पुलिस ने नशे के सौदागर को किया गिरफ्तार, ब्राउन सुगर समेत वेटिंग मशीन बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।